दो किलो आलू और दो पैकेट आटा ले आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं मिट्टू को उठा रही हूँ, क्योंकि मिट्टू बड़े वाले तो उठ गए थे, इसलिए मैंने मिट्टू के ऊपर से कपड़ा हटा दिया है, क्योंकि रात को इनके ऊपर कपड़ा ढक के अगर सुला दो तो बिल्कुल भी बोलते नहीं है, सो जाते चुपचाप। अभी इसके उठने का टाइम बाकी है, जैसे ही उठाऊँगी बोलना चाहिए, क्योंकि खाना मिल गया तो भूख भी लगती। हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहा है इतना? तो इनको उठा दिया है मैंने, उठते मैं फर्स्ट काम करती हूँ लाइव वाटर पीना। एक जगह पे बैठ के पानी पीती हूँ अच्छे से। पानी पी लिया है, 5-10 मिनट रुकती हूँ, फिर मैं मेरा ब्रश करूँगी, क्योंकि पानी मैं ब्रश करने के बाद पीती हूँ, पर चिकू बोलते हैं कि उठते में एक बार पानी पी लेना चाहिए, तो मैंने उठते में आज पानी पी लिया है। थोड़ी देर से ही खुद के साथ समय बिताते हैं। मिट्टू बोल रहे हैं हाँ भाई, खुद का काम कर ले, यानी मेरे पिंजरे साफ कर दे, एक बार छोटू वाले मिट्टू को क्लीन कर देते हैं। इनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, इसलिए इनका मैं एक बार पिंजरा साफ कर देती हूँ और इनको खाना रख देती हूँ, तो ये फ्री हो जाएंगे, नहीं तो ये दोनों तीनों जने ची 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 बोली करेंगे। हालांकि सुबह सुबह तो इनके बोलने का टाइम होता है, थोड़ा चिकू इनको खिला देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। चिकू दोनों को खिला दो, बोल रहा है उठ आ जा खिला। इन बड़े वाले बिट्टू का भी पिंजरा साफ कर देती हूँ। इनका पिंजरा एकदम साफ, अब इनकी प्लेट्स में अच्छे से वॉश करके खाना भर के ले आती हूँ, तब तक इनका ऐसे बोलना चालू रहेगा। एक बार तो अच्छे से भिगा दिए, क्योंकि सारा जो भी इनका कचरा इन्होंने निकाला है अंदर से, मुझे चिपक गया। ऐसे दोनों के पिंजरे निकाल दिए ताकि दोनों मुझे परेशान ना करें, नहीं तो दोनों निकल जाते हैं, तीनों निकल जाते हैं तो बड़े परेशान करते हैं अंदर पिंजरे में आने के लिए। और अभी क्या, मैं होती अकेली हूँ घर पे, तो अगर इसको मैं खुला छोड़ के चली जाऊँ तो कहीं इसके पास चला गया तो इसको हर्ट कर देगा, सो इसलिए इनको सेपरेट सेपरेट ही रख रखा है। तैयारी ही, मिल्क निकाल देती हूँ, दूध बना देती हूँ दोनों के लिए, बाकी तो क्या दूध और फ्रूट्स खा लेंगे ब्रेकफास्ट में, फिर खाने की तैयारी करूँगी। चिकू उठ चुके हैं अभी, और अभी चिकू को मैं नहाने के लिए भेज रही हूँ, हालांकि आज खुद ही उठ चुके हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मिट्टू इतने चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, नींद ऐसी खुल गई। कैसा था मॉर्निंग अलार्म? तो आप सुबह सुबह पानी पीते ही हो तो मैं लाइव वाटर ही पी लिया करूँ ना, मैं दूँ आपको? नहीं, वो है ना लाइव वाटर में तो ही लाइव चला था, खुद जाके ग्लास में निकाल के पीते तो फिर वो डेड वाटर हो जाता अगर कोई लेके आता है तो। फेस वॉश हो गया, ब्रश हो गया, अब मिट्टू का खाना रख देती हूँ। एक में मूंगफली रखूँगी, एक में एप्पल बनाना, एप्पल और नाकफल, और एक में रखूँगी मैं भुट्टा और मिर्ची जो कि इनकी फेवरेट है। ये हमारे मिट्टू का खाना, अब ये खाना उनके पास जाएगा और उनको बड़ा मज़ा आएगा। ये बड़े वाले मिट्टू का खाना है। पानी पूरा नीचे ढोल दिया, कटोरी में रखा था। ये छोटे मिट्टू का खाना, इसको बड़ी भूख लग जाती है। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी चिकू को ब्रेकफास्ट करवा के, फिर भाई जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आ रहे हो क्या है? भाई जी आए नहीं थे 10:30 तक, तो फिर भाई जी को पूछा मैंने, तो भाई जी कह रहे हैं कि मेरी लड़की बीमार हो गई है सो मैं नहीं आ पाऊँगी, तो वही अब घर के काम एंड टाइम पे पता चलता है, तो यही होता है, लेट हो जाता है। जो कपड़े सूख गए वो ले लेती हूँ।
कपड़े बाहर से ले रही जो सूख गए थे वो, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नहाने जाऊंगी, इससे पहले मैं सब्जी और दाल ट्राई करके जाती हूँ, सब्जी की सीटी दाल की सीटी लग जाएगी और सब्जी तब तक पक जाएगी। यहाँ पर भिंडी की सब्जी ट्राई करती हूँ, मूंग की दाल बना रही हूँ, मुगेर दाल बना रही हूँ, दोनों रख के जाती हूँ, आटा आके गूंदूंगी, चावल भिगा दिए, खाना ऑलमोस्ट बन गया, इतने में नहा लेती हूँ फिर पूजा कर लेती हूँ। दाल सब्जी दोनों तैयार, सिटी कुकर की दो सिटी आने पर कुकर बंद किया जाएगा, गैस बंद किया जाएगा और अब मैं नहा लेती हूँ। मैं कंप्लीट रेडी, मेरी सब्जी अभी कंप्लीट रेडी, दाल भी बन चुकी है, भिंडी बन चुकी है, अब इसको ढक के रख देती हूँ। भिंडी थोड़ी सी जल गई है पर जो क्रंची सब्जी अच्छी लगती है। किचन की ड्यूटी कंप्लीट, अब आ जाती है पूजा की ड्यूटी और वो तो है ही मैन। कल फूल चढ़ाने ही रह गए थे क्योंकि मैं है ना जल्दी शॉप पे चली गई थी और फूल भी लेट आए थे, मैं नहीं गई थी जल्दी, फूल लेट आए थे इसलिए फूल रह गए, तो दोनों इकट्ठे करके चढ़ा दूंगी आज। सेवा पूरी हो चुकी है, पूजा करने बैठी चावल पूरे जल गए, थोड़े से ही रखे थे पर वो भी पूरे जल गए। ये देखो कभी ऐसे भी काम होते हैं, फिर चलेगा क्या है चावल, क्योंकि लेट भी हो गई, 12 ऊपर हो गई है इसलिए पूरा मूड ख़राब हो गया, चावल जल गए। तो अब आटा बांध के रोटी बना देती हूँ। यार क्या गर्मी लग रही है, क्या पता बारिश और गर्मी छोड़ के जा रही है। खाना बन चुका है कंप्लीट और चिकू भी आ गए खाने के लिए, तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पर मेरी प्लेटें लगा दी हैं, तो साथ में थोड़ा बहुत चटर पटर नाश्ता भी लेके बैठे हैं, तो नाश्ता भी साथ साथ में हो रहा है, नाश्ता यानी नमकीन और ये सब भी चाहिए ना खाने के साथ। तो अब हम दोनों खाना खा लेते हैं फिर अपने अपने काम पर चलते हैं। चिकू शॉप के लिए निकल गए हैं, सिर्फ अब मुझे जाना है तो मैं चली जाती हूँ। यहाँ सब्जी आ गई, पराठे आ गए, लेडीज पर्स आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेट हो गई क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो गेस्ट के पास थोड़ी देर बैठ गई, अब जा रही हूँ शॉप पे, पापा भी आए हुए हैं, एंड पीजे पे कुछ काम है, तो वो आज हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है। मैं शॉप पे आ गई, शॉप पे आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि ये कुर्ती मैं कल लाई थी, तो रोशनी इसकी स्लीव्स लगा के ले आई है, तो अब मैंने यही पहन ली क्योंकि इसमें काफ़ी फ्री फ्री फील हो रहा था। और अभी यहाँ पर हो रहा है प्रैक्टिस सेशन, पीछे प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ में मस्तियाँ भी हो रही है, एक घंटे से आईब्रो ही बन रही है, सिर्फ एक रिहर्सल करके सब जनों की छुट्टी हो गई है, और कस्टमर से भी अभी जस्ट फ्री हुए हैं। और अभी रोमा मेकअप स्टूडियो पर अगर आपकी सर्विसेज ज़्यादा होती हैं तो आपको साथ में ये प्राइज मिलने वाले हैं, और ये प्राइज़ आपके लिए सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि ये मेरी तरफ से आपको प्राइज़ है। तो आप रोमा मेकअप स्टूडियो पर अगर सर्विस ले रहे हैं तो इस प्राइज़ का बिल्कुल आप लाभ उठा सकते हैं। और अभी मैं जाती हूँ आगे शॉप पर, थोड़ा काम है, टाइम हो चुका है घर जाने का, तो अभी 7 बज रही हैं और अब जाती हूँ घर पर। चिकू का उधर शॉप पे बिजी है सो लेने नहीं आ पाए, तो अभी रोशनी मुझे छोड़ती हुई घर जाएगी। घर आ चुकी हूँ, घर आने के बाद ये मिट्टू अब देखो भूखे हो गए, खाना ख़त्म हो गया सुबह जो रख के गई थी वो, तो अब इनके खाने की प्लेट्स वापस से भर देती हूँ, फिर हमारे खाने की तैयारी करती हूँ। लंच बॉक्स निकाल दिया है, दोनों के प्लेट्स लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना भर रख देती हूँ, थोड़ा सही लगेगा उनको भी। अब बनाना है मुझे खाना, तो आज अच्छा है राजगीरे के आटे की रोटी बनाऊँ और आलू की सब्ज़ी, तो आलू ख़त्म हो गए, आलू ले आती हूँ और राजगीरे का आटा भी ले आती हूँ। 2 किलो आलू और 2 पैकेट आटा ले आई हूँ, थोड़ी भागती भागती गई थी क्योंकि लेट हो गई हूँ खाना बनाने के लिए, इसलिए खाने की सामग्री आ चुकी है, अब खाना बनाना चालू करती हूँ। फटाफट से आलू को वॉश करती हूँ, दुपट्टा साइड में रखती है, अब शांति से काम होगा मुझसे। अब फटाफट सारे आलू छील देती हूँ, राजगीरे के आटे रोटी बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता। सब्जी पक रही है और थोड़ी सी ये
क्या कहते हैं आटा थोड़ा सा गले तब तक चिकू के पास बैठ के थोड़ी देर बातें करती हूँ। मैम करती थी बस तुम्हारे डायरी में एक नंबर मैं लकेला था तो हूँ जी आ नंबर ने पसे फोन करियो मैं कि मम्मी लक्या तो आटलू मन ध्यान तो खाना बन चुका है चिकू ने वहां पर खा लिया। चिकू कैसा था खाना? मस्त तो ये हमारी राजगिरे की रोटी और आलू मस्त एंजॉय करते हुए खाना और क्या मस्त लगती है क्रंची क्रंची रोटी एकदम। शाम को आरती में जाने का मूड था पर थोड़ा चिकू भी लो फील कर रहे हैं मैं भी लो फील कर रही हूँ तो क्यों ना मूवी देखी जाए। तो हम अभी देख रहे हैं मूवी जी पे आ गई है खुदा हाफिज़ तो वो देख रहे हैं। खुदा हाफिज़ फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी सेकेंड भी अब आ गई है तो देखना तो बनता ही है। और विद्युत तो चिकू और मेरे दोनों का एक्शन हीरो में फेवरेट हो गया एकदम है ना सबसे जोरदार लगती है उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है और उसका एक्शन भी बहुत जोरदार लगता है तो रियलिस्टिक जोश चढ़ता है। आपको दिखाऊं मैं आप में जो जोश आ रहा है वो दिखाऊं मैं मूवी का नाम लेते हुए तो मंदिर जाना भी मेरा कैंसिल हो गया मूवी देखते हैं मस्त। और अब बताऊंगी कैसी लगी मुझे मूवी यहीं पर कल के व्लॉग में बताऊंगी कैसी लगी मुझे मूवी और अभी मस्त मूवी देखते हैं और फिर कल मिलते हैं बाय।